दोस्तों अगर आप भी श्रीलंका के बेहतर प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की हार के बाद रो पड़े पाकिस्तानी समर्थक, जिनको देखकर श्रीलंका के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों के आंखों में भी आ गए आंसू। तो वहीं भावुक होकर उठाया, जिसको देखते ही सब रह जाएंगे दंग। आखिरकार पाकिस्तानी समर्थकों ने रोते हुए क्या कदम उठाया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट को किस कारण से जीत पाई है, उसका जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दुबई के स्टेडियम पर एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला लगभग सही भी साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 170 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां श्रीलंका की तरफ से भानुका राजपक्षे ने 71 रन, वनिंदु हसरंगा ने 36 रन और धनंजय ने 28 रन की पारी खेली। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए और इसके अलावा नसीम शाह, इफ्तिकार अहमद और शादाब खान ने 1-1 विकेट लिया। तो वहीं 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिकार अहमद ने 32 और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन की पारी खेली। हालांकि पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में पूरी तरीके से 147 रन पर ऑल आउट हो गई, लेकिन इस मुकाबले में श्रीलंका की तरफ से प्रमोद ने 4 विकेट हासिल किए तो वहीं वनिंदु हसरंगा ने 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा करुणा रत्ने ने 2 विकेट और महेश ने 1 विकेट हासिल किया और ये मुकाबला श्रीलंका की टीम ने 23 रन से जीत कर टूर्नामेंट को अपने नाम कर 6वीं बार एशिया कप उठाया है। लेकिन इस मुकाबले के हीरो बने वनिंदु हसरंगा, जी हाँ, जहां उन्होंने 36 रन की पारी खेलने के साथ ही 3 विकेट भी हासिल किए। लेकिन इस मुकाबले में जीत के बाद पाकिस्तानी समर्थकों के आंखों से आंसू निकलने लगे और हार के बाद रो पड़े पाकिस्तानी समर्थक। तो वहीं पाकिस्तान की हार के बाद कुछ समर्थकों ने अपने घर पर तोड़ दिए टीवी और साथ ही साथ कुछ समर्थकों ने पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन करने पर स्टार्टिंग से ही मोहम्मद रिजवान के विकेट गिर जाने के बाद स्टेडियम को छोड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का मनोबल टूट गया और पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में आराम से हार गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि श्रीलंका की टीम का जिस तरह से पुणे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, उसे देखते हुए श्रीलंका की टीम को फाइनल में जीतने का हक था या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।